यह है दुनिया की पांच सबसे अजीबोगरीब गाड़ियां, जिनमें नंबर तीन है सबसे अनोखी। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर पांच, बिग फुट। यह है एक ऐसी गाड़ी है जो कि आम गाड़ियों से बहुत बड़ी है। इस गाड़ी को बनाने के लिए बहुत ही महंगे पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है। इस गाड़ी को बॉब चांडलर नामक एक शख्स ने 1975 में बनाया था। नंबर चार, लीमो। यह है दुनिया की सबसे लंबी गाड़ी है। इसकी लंबाई 100 फुट है। इस गाड़ी में बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि हेलीपैड, और इस गाड़ी में एक नाव खड़ी करने की जगह भी दी गई है। और इस गाड़ी का इस्तेमाल बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में किया जा चुका है। नंबर तीन, पील 50। यह है एक ऐसी कार है जो दुनिया में सबसे अनोखी है। यह कार 134 सेंटीमीटर लंबी और 99 सेंटीमीटर चौड़ी है। अगर बात करें इसके वजन की, तो यह सिर्फ 60 किलोग्राम की है। इसे बड़ी आसानी से हाथों से भी खींचा जा सकता है। नंबर दो, फ्लैट मोबिल। यह दुनिया की सबसे पतली कार है। इसकी ऊंचाई जमीन से सिर्फ 56 इंच है। इस गाड़ी में बहुत ही छोटे छोटे पहियों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है, इस गाड़ी में जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से यह कार 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है। नंबर एक, वाटर कार पाइथन। यह बहुत ही अलग किस्म की गाड़ी है। यह गाड़ी जमीन पर चलने के साथ साथ पानी में भी तैर सकती है। जमीन पर यह गाड़ी 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और पानी में 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।